बहुत सुंदर सहयोग कर रखा है और बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, और रोड की व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्थाएं बहुत सुंदर कर रहे हैं। इस आयोजन के लिए अंत में आप विश्व के लोगों से क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? तो पूरे भारत की और पूरे विश्व में बैठे हुए सभी श्रोता भाइयों से कहूंगा, ये पवित्र धरा है कंकर शंकर की, 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है कुबेरेश्वर धाम। आप इस धरा पर खड़े होकर अगर ओमकारेश्वर को देखेंगे तो 1 पॉइंट बढ़कर मिलेगा, 1 से 2 पर नहीं जाएगा। आप यहां से खड़े होकर उज्जैन देखेंगे, काशी देखेंगे, सोमनाथ देखेंगे, मल्लिकार्जुन देखेंगे, तो कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर अगर गूगल का मैप देखेंगे तो उसमें 1 नंबर बढ़कर आएगा, 2 नंबर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ खड़े होकर गूगल का मैप देखेंगे तो 1 बढ़कर आएगा, मतलब यहाँ आने वाला व्यक्ति हमेशा 1 नंबर पर जाता ही है, अग्रणी होता ही है और उन्नति की ओर बढ़ता ही है। अभिषेक नहीं होता था, आप देखे होंगे पहले कभी, आप उठाकर देखिए कि शिवलिंग का अभिषेक होता था, देवताओं का अभिषेक होता था, पर रुद्राक्ष का अभिषेक नहीं होता था। ये रुद्राक्ष का ही शिवलिंग का निर्माण कर उसका अभिषेक कराया जाता, तो ये एक फलदायी होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में विदेश्वर संहिता में भी इसका वर्णन लिखा हुआ है, 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। ये सारे रुद्राक्ष हमें ऐसे फल देते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं अंधविश्वास में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर का नेत्र का अश्रु ही हमें सुख दे देगा। 2024 का रुद्राक्ष महोत्सव 7 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 7 मार्च से। इसमें जो रुद्राक्ष रखे जाते हैं, रुद्राक्ष का तो शिवलिंग होता है पर उसके अंदर जो रुद्राक्ष रखे जाते हैं, उसमें कमल रुद्राक्ष होता है, शालिग्राम रुद्राक्ष होता है, गोमेद रुद्राक्ष होता है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष उसके अंदर स्पर्श करने के लिए रखे जाते हैं। जिन रुद्राक्षों का अभिषेक यहाँ पर बाहर से आए हुए सभी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, इन रुद्राक्षों का पूजन अर्चना कर फिर इनको रखा जाता है, फिर बाद में इसको वितरण किया जाता है। कथा 1 बजे से 4 बजे तक का जो क्रम है उसी कथा का क्रम रहेगा, उसमें लाखों भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, आप सब दर्शन कर ही रहे हैं। तो ये तो एक अविरल भक्ति है रुद्राक्ष के प्रति और भगवान शंकर के प्रति। जो लोग नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष है क्या, आज उसको भी मालूम पड़ गया कि रुद्राक्ष का जल मात्र पीने से रोग समाप्त तो होते हैं, वो औषधि का कार्य करता है। स्टेज पर आने के लिए परमिशन नहीं दे पाई उस समय पर, कृपया अतिथियों में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ रहेंगे और हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे, तो ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है, तो उसके अनुसार सारे मंत्रिमंडल भी यहाँ रहेंगे बीच बीच में, तो और संतों का आगमन भी निरंतर चालू रहेगा। शाम को उत्सव में कोई संत रहेंगे, दिन में कोई संत रहेंगे, ऐसे संतों का आगमन भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें व्यवस्था चलती है।